So hey, what's up guys, Harsh here, and back with another video. So guys, in this video I'm going to show you in comparison a speed test of these two devices right over here. On my left hand is the OnePlus 6 and on my right hand is the iPhone 7. So guys, dono phones same price range mein aate hain and mere hisab se aapko doubt zarur hua hoga agar aap dono mein se koi bhi phone le rahe hain ki kya aap OnePlus 6 le ya fir aap iPhone 7 le. So guys, speed wise I'll clear all your doubts and main camera comparison bhi dono ka dalne wala hu kuch dinon baad videos mein. So guys, let's just quickly begin. Boot up test से start करते हैं. So 3, 2, 1, go. And here we go. दोनों phones हो चुके हैं on. Let's just see पहले कौन सा on होता है. Wow. So हमारा जो iPhone है वो पहले on हो चुका है. तो गाइस, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि ऐप्स पिक्चर में कोई भी ऐप नहीं है. यहाँ से मैं सारी ऐप्स को क्लियर कर देता हूँ. ये है जो मेरा आईफोन है, इसमें भी कोई ऐप नहीं है, इसमें भी कोई ऐप नहीं है, नो रिसेंट आइटम जैसे कि आप देख सकते हैं. एंड गाइस, मैंने यहाँ पर 24 ऐसी ऐप्स डाल रखी हैं जो हम बेसिकली नॉर्मल बेसिस पर यूज़ करते हैं. एंड मैं इन्हीं का कंपेरिजन आपको दिखाने वाला हूँ कि दोनों में किस फ़ोन में कौन कौन सी ऐप पहले खुलती है. सो गाइस, स्नैपचैट से स्टार्ट करते हैं. 3, 2, 1, गो. सो पहले हमारी खुल गई है हमारे वन प्लस सिक्स में. गाइज, मैं दोनों के लिए सेम इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ. आई जस्ट शो यू. सो गाइज, जो इंटरनेट कनेक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो थोड़ा सा स्लो है. वो इसलिए क्योंकि गाइज, मैं अपने घर पर नहीं हूँ. मेरे घर पर 100 MB से कनेक्शन लगा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा स्लो है. मैं फ्लैक्स नहीं कर रहा हूँ 100 MB बोल कर. सो गाइज, थोड़ी जो स्पीड्स हैं वो यहाँ पर स्लो आएंगी, प्लीज़ बेयर विद दैट. सो स्नैपचैट हमारी पहले खुल गई थी वन प्लस सिक्स में. दी इंस्टाग्राम भी हमारे वन प्लस सिक्स में पहले खुल गया है. फेसबुक भी हमारा वन प्लस सिक्स में पहले खुल गया है. स्नैप मैसेंजर बोट एट द सेम टाइम. सो सिर्फ मैसेंजर ऐसी ऐप है जो मैंने डेटा जिसका डिलीट नहीं किया था, बाकी सब ऐप्स का डिलीट कर रखा है. लेट्स जस्ट ट्राई विद व्हाट्सएप. व्हाट्सएप भी हमारी पहले वन प्लस सिक्स में खुल गई है. लिंकडिन बोट एट द सेम टाइम. उसके बाद ट्विटर ऑन दी वन प्लस सिक्स काफ़ी लेट खुली है हमारे आईफोन में. कैमरा ऐप्स ट्राई करते हैं इसके बाद. कैमरा ऐप बोट सॉरी हमारे वन प्लस आईफोन 7 में फोटोज़ ट्राई करते हैं हम. फोटो और गैलरी बोट एट द सेम टाइम. बुक माई शो ट्राई करते हैं. लेट्स जस्ट सी बुक माई शो पहले किस में खुलता है. बुक माई शो हमारे पहले वन प्लस सिक्स में खुल गया है एंड आईफोन में अभी तक लोड हो रहा है. आईफोन में अब खुला है. लेट्स जस्ट ट्राई विद पबजी. गाइस, मेरे को लगता है कि पबजी पहले खुलेगी हमारे आईफोन में, क्योंकि आईफोन की जो ऑप्टिमाइजेशन होती है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ट्यूनिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है. लेट्स जस्ट सी. ऑल राइट गाइस, सो पबजी हमारी पहले खुल गई थी आईफोन में. मैं करता हूँ बंद. पबजी के बाद गाइस हम देखते हैं ओला कैप्स हमारी खुल गई है पहले वन प्लस सिक्स में. गाइस, गेमिंग के लिए मेरे को लगा ही था कि जो हमारा आईफोन है उसमें पहले खुल जाएगी. सो गाइस, अगर आप पबजी खेलने के लिए ले रहे हैं, वैसे तो पबजी हमारे HDR वर्जन चलता है हमारा वन प्लस सिक्स में, हमारा HDR नहीं चलता है हमारे आईफोन 7 में. सो गाइस, पबजी का ही मैं टेस्ट डालने वाला हूँ कुछ दिनों में, दोनों फ़ोन में पबजी कैसे कैसे चलती है. अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं, गेमिंग में आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाएंगे मेरे हिसाब से तो आईफोन में, एज कम्पेयर टू दी iOS डिवाइस. क्योंकि गाइस, गेम में क्रैशेज कोई भी देखने को नहीं मिलेंगे आपको. अभी तो नहीं, स्टार्टिंग में नए नए फोन में क्रैशेज तो वैसे भी नहीं आते. छः महीने बाद आपको वन प्लस इसमें क्रैशेज देखने को मिल जाएंगे. क्योंकि गाइस, ऑब्वियसली एंड्रॉइड फोन है, उसके जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी होती है, ट्यूनिंग होती है, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है. एंड नाउ लेट्स जस्ट ट्राई विद द कैलेंडर ऐप पहले खुल गई है हमारी वन प्लस आईफोन 7 में. विंक म्यूजिक हमारा खुला है वन प्लस सिक्स में. गूगल क्रोम हमारा वन प्लस सिक्स में. काफ़ी ज़्यादा ऐप्स वन प्लस सिक्स में पहले खुल रही हैं एंड हल्का सा डिले के बाद हमारे आईफोन में खुल जा रही हैं. सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी पहले हमारे वन प्लस सिक्स में खुल गया है. सोनी लिव भी हमारा प्रोसेसिंग वाइज पहले खुल गया है वन प्लस सिक्स डिवाइस में. तो गाइस, सोनी लिव भी हमारा वन प्लस सिक्स में पहले खुल गया है. एंड अब हम ट्राई करते हैं पेटीएम हमारा खुल गया है पहले वन प्लस और आईफोन 7 में. पेटीएम के बाद ट्रू कॉलर पहले खुल गई है हमारी वन प्लस सिक्स में. एंड व्हाट्सएप सॉरी गूगल मैप्स खुल गया है वन प्लस सिक्स में. हेलो गाइस, मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया था, तो एक बार हम गूगल मैप्स को दोबारा ट्राई करते हैं. 3, 2, 1 पहले खुल गई है हमारे लेफ्ट वाइड डिवाइस पर जो कि है वन प्लस सिक्स. अमेजोन ट्राई करते हैं पहले किस पे खुलता है. अमेजोन खुल गया है हमारा वन प्लस सिक्स पे. या वन प्लस सिक्स पे पहले खुल गया है. उसके बाद हम ट्राई करते हैं स्पीड टेस्ट हमारा आईफोन 7 पे खुल गया है पहले, वन प्लस सिक्स में अभी तक खुल रहा है.
अब हम ट्राई करते हैं वेदर ऐप, द वेदर ऐप ऑन द आईफोन 7। सो गाइस अब अगर हम रैम मैनेजमेंट के बारे में देख लेते हैं कि दोनों फोन्स में कौन कौन सी ऐप्स खुली हुई हैं, कौन कौन सी ऐप्स बंद हो चुकी हैं। सो गाइस स्नैपचैट खुला हुआ है, इंस्टाग्राम खुला हुआ है, फेसबुक खुला हुआ है, दिस थिंग इज ऑल्सो ओपन, व्हाट्सएप रीलोड हुआ है, लिंक्डइन खुला हुआ है, ट्विटर खुला हुआ है, कैमरा ऐप खुली हुई है, फोटोज़ खुला हुआ है, बुक माई शो इज़ ऑल्सो ओपन, पबजी शायद बंद हो गई होगी या पबजी बंद हो गई थी, ओला कैब्स खुली हुई है, दिस कैलेंडर इज़ ऑल्सो ओपन, विंक म्यूज़िक रिस्टार्ट हुआ है, विंक म्यूज़िक आई रियली डोंट नो रिस्टार्ट बार बार क्यों हो रहा है, पहले भी जो स्पीड टेस्ट करे उसमें विंक म्यूज़िक रिस्टार्ट हुआ था, यूट्यूब हैज़ ऑल्सो रिस्टार्ट, यूज़ टू बी रिस्टार्ट हुआ है, सॉरी फॉर बैड इंग्लिश, क्रोम भी खुला हुआ है, ओएलएक्स भी खुला हुआ है, सोनी लिव भी खुला हुआ है, पेटीएम रिस्टार्ट हुआ है, ट्रूकॉलर खुला हुआ है, गूगल मैप्स खुले हुए हैं, अमेजोन खुला हुआ है, स्पीड टेस्ट खुला हुआ है और हमारा वेदर ऐप भी खुली हुई है। अब गाइस हम ट्राई कर देखते हैं वन प्लस सिक्स में कौन कौन सी ऐप बंद हो चुकी है और कौन कौन सी ऐप्स खुली हुई हैं। थोड़ी ब्राइटनेस तेज़ करता हूँ, स्नैपचैट खुला हुआ है, इंस्टाग्राम खुला हुआ है। गाइस मैं दोबारा से एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सा लग रहा है, द iOS इज़ प्रीटी स्मूथ एंड जो इसका OS है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, यूजर फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली तो वैसे एंड्रॉयड भी है बट गाइस जो स्मूथनेस है वो हमें iOS डिवाइस में ही देखने को मिलती है। फेसबुक खुली हुई है, मैसेंजर खुला हुआ है, दिस थिंग इज़ ऑल्सो ओपन, व्हाट्सएप खुला हुआ था, लिंक्डइन खुली हुई है, ट्विटर खुला हुआ है, कैमरा ऐप इज़ ऑल्सो ओपन, गैलरी रीलोड हुई है, बुक माई शो खुला हुआ है, पबजी तो बंद हो गया होगा डेफिनेटली, सो मैं इसको करता हूँ बंद। ओला कैब्स खुली हुई हैं, कैलेंडर खुला हुआ है, विंक म्यूज़िक खुला हुआ है, क्रोम खुला हुआ है, ओएलएक्स खुला हुआ है, सोनी लिव हैज़ रीस्टार्टेड, यूट्यूब भी रीस्टार्ट हुआ है, पेटीएम भी रीस्टार्ट हुआ है। सो गाइस काफ़ी सारी ऐप्स लगातार हमारे वन प्लस सिक्स में रीस्टार्ट हुई हैं, ट्रूकॉलर खुला हुआ है, मैप्स खुले हुए हैं, अमेजोन खुला हुआ है, स्पीड टेस्ट खुला हुआ है और वेदर ऐप भी खुली हुई है। सो गाइस बेसिकली शायद सबको देख के समझ आ गया होगा कि दोनों में से कौन सा फ़ोन फास्ट है, कौन से फ़ोन में क्या क्या स्पीड है और रैम मैनेजमेंट के बारे में सारी डिटेल्स आपको मिली गई होंगी। सो गाइस शायद से आप इस पार्ट तक अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर ही देंगे, एंड इफ़ यू हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ यू डिडंट लाइक द वीडियो द देर इज़ अ डिसलाइक बटन एज वेल। सो गाइस शायद से इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, and I'll see you in the next one, till then, peace.